नमस्कार, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से इस सप्ताह के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 21 अगस्त शनिवार का दिन है। मेरा नाम सज्जन है और आज हम इस सप्ताह स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के तहत कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए भेजे गए मैसेज पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम एक नज़र डालते हैं इस सप्ताह की गतिविधियों पर। इस सप्ताह का पहला मैसेज 16 अगस्त दिन सोमवार को भेजा गया था। इस दिन मैसेज में हमारे दोस्त नाम की एक कहानी भेजी गई थी। माताओं से अपेक्षा थी कि वह बच्चों को यह कहानी मौखिक रूप से सुनाए, जिससे बच्चे भी इस कहानी को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें और उनके शब्दकोश में बढ़ोतरी हो। दूसरा मैसेज 17 अगस्त दिन मंगलवार को भेजा गया था। यह मैसेज रंगों की पहचान से संबंधित गतिविधियों पर आधारित था। माताओं से अपेक्षा थी कि वे बच्चों को अलग अलग रंग या अलग अलग रंग की वस्तुएं दिखाएं एवं बच्चों को उन रंगों की वस्तुएं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों से ये अपेक्षा थी कि वे वस्तुएं ढूंढकर माँ को बताएं कि उन्होंने कितनी वस्तुएं खोजी हैं। सप्ताह का तीसरा मैसेज 18 अगस्त दिन बुधवार को भेजा गया था। यह मैसेज आवाज़ों को पहचानने से संबंधित गतिविधि पर आधारित था। माताओं से अपेक्षा थी कि वे बच्चों को अलग अलग वस्तुओं की आवाज़ें सुनाएं और उनको पहचानने के लिए कहें, जैसे सिक्का, चम्मच, चूड़ी और पानी आदि। बच्चों से अपेक्षा थी कि वे अलग अलग आवाज़ों को सुनकर बताएं कि ये आवाज़ें किसकी हैं। सप्ताह का चौथा मैसेज 19 अगस्त दिन गुरुवार को भेजा गया था। इस दिन का मैसेज था पौष्टिक खिचड़ी बनाना। माताओं से अपेक्षा थी कि इस दिन वह बच्चों के लिए खिचड़ी बनाएं एवं खिचड़ी कैसे बनती है इससे संबंधित कोई एक कहानी बच्चे को सुनाएं। सप्ताह का पांचवा मैसेज 20 अगस्त दिन शुक्रवार को भेजा गया था। इस दिन का मैसेज था चलो आकार बनाते हैं। इस मैसेज में माताओं से अपेक्षा थी कि वह एक मोटे गत्ते में अलग अलग आकार बनाएं और उन आकारों को काटकर बच्चे को पहचानने के लिए दें। इन आकारों को एक लाइन में जमाएं और बीच में से एक आकार हटा दें। बच्चे से अपेक्षा थी कि वे पहचान करें कि कौन सा आकार हटा दिया गया है। सप्ताह का आखिरी मैसेज 21 अगस्त दिन शनिवार को भेजा गया था, यानी आज सुबह ही भेजा गया है। आज बच्चों के लिए एक वर्कशीट भेजी गई थी जिसमें हाथी का चित्र बना है। माताओं से ये अपेक्षा है कि वे एक कागज पर हाथी का चित्र बनाएं और बच्चे को उस पर रंग भरने या फिर कागज की गोलियां चिपकाने के लिए दें। अभी तक हमने इस सप्ताह में भेजे गए सभी मैसेज पर चर्चा की है। उम्मीद है आपने बच्चों के साथ सभी गतिविधियां की होंगी। अगले सप्ताह फिर से नए मैसेज और गतिविधियों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।